अलीफ अल्लाह चंबे दीवुदी ते मन विच मुरझिद लाई मुशेक मजाया इतों सुनी बूटी अंदर हो अल्लाह हो अल्लाह हो बूटी अंदर मुशे जाया ते जान भुलन ते आई हो मैं कुर्बान होना थी बाहो थे जिस ये बूटी लाई हो हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो ईमानदारी ना दस अल्लाह हो ऐ बूटी जे गुबार वाली बूटी नहीं अल्लाह हो ऐ बूटी लवाओ तो फिर पता लग जुम्मतुल मुबारक दा दिन मैं बारहा मरतबा कह चुकी हाँ कि ये मुसलमाना वास्ते ईद का दिन ने खुशी का दिन ने और इस दिन के अंदर बड़िया ही बरकात ने अल्लाह तबारक व ताला ने इस दिन के अंदर एक ऐसी घड़ी रखी है उस घड़ी के अंदर बंदा जो भी दुआ करता है अल्लाह उसनु कबूल फरमा लैंदा है। तुसी सारे हजरात बड़ी ही मुहब्बत ना तशरीफ फरमाओ अल्लाह साहब नू सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान आप दा मकाम आप दा मर्तबा बयान करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक दी आयत करीमा जड़ी मैं पढ़ी है वह तर्जमा समाद फरमाओ फिर वो तफसीर बयान करांगा तो गल समझ में आ जाएगी कि अल्लाह अपने महबूब नाल किन्ना प्यार करता है अल्लाह अपने यार नाल किन्ना प्यार करता है। एक अल्लाह कुराने पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे नाल 70 मावां तो भी ज़्यादा यह बंदियां दी गल हो रही है जरा नुकता समझियो अल्लाह ने कुरान च फरमाया वे मैं अपने बंदियां नू ऐना प्यार करना जिन्नियां 70 मावां एक माँ अपने बच्चे नाल किन्ना प्यार करती उन्हें दुख विच नहीं वेख सकती परेशानी विच वेख नहीं सकती वो बीमार हो जाए माँ तड़फ जाती है अल्लाह की जात फरमा रही है मैं 70 मावां तो भी ज्यादा अपने बंदे नाल प्यार करना तो मैनू ईमानदारी ना दसो एक बंदे नाल अल्लाह इन्ना प्यार करता है तो अपने महबूब नाल किन्ना प्यार करता ये तो बंदे की गल सी ना तुहाडी मेरी गुनाहगारां दी कि अल्लाह गुनाहगार बंदे नाल इन्नी मुहब्बत करता है तो जिहड़ा उहदा हबीब है हबीबुल्लाह उहदा महबूब है
जिदे सदके कायनात बनी है, जिदे सदके कायनात बनी है। अल्लाह किन्नी मुहब्बत अपने महबूब की जात नाल करेगा, और बड़ी मुहब्बत करता जे अल्लाह। यह जिहड़ा क्यामत दा दिन अल्लाह ने रखिया ना, यह रखिया ही अपने महबूब की शान दसन वास्ते। गल सुट ना पायो, यह जो अजान होती है ना, अजान ये भी मसला, अजान तो बाद दुआ मंगी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती तामा। उदे विच ना एक लफज़ है, बंदा कहिंदा है मकाम महमूद अनिल्लज़ी वअता, एनु समझियो इस लफ़ज़ में। बंदा नमा अजान तो बाद दुआ करता, कहिंदा या अल्लाह मेरे नबी नू मकामे महमूद अता फरमा, मकामे महमूद अता फरमा। यह जिहड़ा मकामे महमूद है, कुरान विच भी जिक्र जे, ए ओ मकाम है जिथे क्यामत वाले दिन नबी पाक ने खड़े होना है। तवज्जो कीती है, मकाम कहिंदे ने जगह नू, वे किहड़े मकाम दा जी, फला मकाम दा। मकाम कहिंदे ने जगह नू, महमूद अरबी दे अंदर किहनू किया जांदा है, कि जिहदी तारीफ कीती गई होवे। हजे नबी पाक उस जगह ते खड़े नहीं हो रहे, तारीफां पहले ही हो रही ने। इधर वेखो ए नुकता समझो, जिथे मुस्तफा की नलैन आनी है, जिथे बंदा खलोता हो, जुत्ती दे नाल ही खलोता होंदा ना, जिथे हजूर की नलैन लगनी, जिथे हजूर की नलैन है, जेड़ी नलैन दे थले जगह है, अल्लाह फरमांदा ओ मकामे महमूद है, ते मेरे मुस्तफा की शान की होगी। हजूर की अपनी शान की है, ये तो नलैन की शान है ना, जिथे नलैन लगे ने। और फिर वेखो जो मेराज की रात नबी पाक गए ने ना अल्लाह ताला नूं मिलन, अरशे मुअल्ला शुरू होया, अरशे मुअल्ला सब नाल खास जगह, आसमाना ते अरशे मुअल्ला, अरशे मुअल्ला जो शुरू होया ते नबी पाक दे नलैन भी नाल सन, जबरील पिछे रह गया, नलैन नाल ने। इत्थे एक सूफी फकीर ने बड़ी वड्डी गल लिखी, तफसीरे नईमी दे अंदर मौजूद है। उन्हें कहा भी जिहड़ा नबी दे नाल रवे ना, नाल बराबरी विच नाल चलिया, वह पिछे रह गया सिदरा दे, ते जिहड़ियां कदमां नाल लगियां रहियां ने वह अरशे मुअल्ला ते पहुँच गईयां ने। सुभान अल्लाह, कैसा नुकता है। जबरील ना रहा ना, मक्कियों टुरिया ना रहा, मस्जिद अक्सा च गया, उतों पहले आसमान दूसरा, सिदरतुल मुंतहा ते जबरील पिछे रुक गया, हजूर मैं नहीं अग कदम भी अगे जा सकता, ते जिहड़े नलैन हजूर ने पाए सन वह नाल जा रहे ने। इधर तवज्जो फरमाया जी, क्यों जदों मेराज की रात नबी पाक की नलैन की मैं शान पै पढ़ना, नबी पाक की नलैन की शान की है, मकाम की है। नबी पाक ने जदों नलैन उतारी ना, एक पैर उतारिया, हादफे गैबी चों आवाज़ आई, अल्लाह ने फरमाया महबूबा क्यों नलैन उतार रहे हैं। नबी पाक ने अर्ज की, सोना रब्बा जो कोहे तूर ते मूसा आउन लगा सी, ते तू आख्या नखला ना लई, फरमाया मूसा जुतियां ला के आवी, ये कोई आम मकाम नहीं, ये मकामे खास है, इत्थे तेरी ते मेरी मुलाकात होनी है। या अल्लाह कोहे तूर ते जिथे मूसा नाल कलाम करें उत्थे जुतियां लवा छड़ना मूसा दियाँ, या अल्लाह मैं खुद लाना पिया कि तू ये ना आखे मुहम्मद ने लैन उतार के आ। हादफे गैबी चो आवाज़ आई, मुहम्मद यही तो दसना चाहने आ, कलीम हो रे हबीब हो रे, कलीम हो रे हबीब, अल्लाह भी इज्जत की कसम उठा गया ना, कलीम हो रे हबीब हो रे। फिर मेरा दिल करता मैं तेरा जौक वेखना, चेक करना कि किन्ने जौक चू बैठा नबी पाक दी शान मखा मरतबा सुनने वास्ते। इसे वास्ते अल्लाह ने फरमाया सने जा रे अरशा ते आ मेरे माही, इंजरी एक बारी मोहब्बत ना हाथ बुलंद करके सने जाने अरिशा थे आ मेरे माए हाय, सने जाने अरिशा थे आ मेरे माही सने। Ma
सने जा है अरिशा। अल्लाह ने फरमाया सोने सने जोड़िया सने न लैना सोने अज न लैण लैके आ जा। मौलवी मिंबरां ते बयान करनगे जड़ा जुत्ती ला के जावे ओ कलीम दा ए जड़ा जुत्ती नाल लैके जावे ओ हबीबे। नहीं नहीं बाबा जुमले सुने आ रे सने जोड़े हरिशा थे आ में जरा जोक ना पढ़ो तुसी भी नबी दी नाद सने जोड़े हरिशा थे आ में हे माही सने जोड़े हरिशा थे आ में हे माही मेरे अरिशा दी किसे मत जगा में हे माही। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा गया ना जदों नबी दी वारी आई है जदों सोने दी वारी आई है नमाज विच भी मुहम्मद नाल है अजान विच भी मुहम्मद नाल है कलमे विच भी मुहम्मद नाल है हशर विच भी मुहम्मद नाल है एज मकामे महमूद लगाए होने। अल्लाह ने फरमाया सोने इशारा तेरा होना है गुनागारा नू जन्नत में दे देनी कमली वाले तेरे इशारे दे गुनागारा नू जन्नत मिलनी है। अल्लाह दी कसम सियाल कोटियो जुमले सुनिया ने जनाबे मूसा अलै सलाम दा दौर बनी इसराइल दा दौर गल नबी दी शान दी हो रही है। एक बड़ा ही गुनाहगार बंदा एक बड़ा ही सियाकार बंदा एक बड़ा ही खताकार बंदा है जिन्हें बड़े गुनाह कीते ने जिन्हें बड़िया गलतियां कीतिया ने। बाबा जदों दुनिया ते गया है जदों दुनिया ते गया है उन्हें बाबा जी की कीता है बंदिया ने चुक के उन्हों रूड़ी ते सुट दिता है उहदा जनाजा नहीं पड़िया गया उन्हों कफन नहीं दिता गया उन्हों कबर च नहीं रखिया गया। जदों दुनिया तो मरिया है लोकां पैड़ा समझ के रूड़ी ते सुट छड़िया है हजरत मूसा को है तोड़ दे आए। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला बस्ती दे अंदर फला इलाके दे अंदर एक मेरा यार है जिन रोड़ी ते सुटिया आई हुन चुक के गुसल भी देना है हुन कफन भी देना है ओदा जनाजा भी पढ़ना है। मूसा तेनू नहीं पता हो मैनू बड़ा सोना लगदा इत्थे बाबा जुमले सुनियो जे जनाबे मूसा खलीमुल्ला कलीमुल्ला अल्लाह नाल कलाम करन आला नबी चल दिया उस बस्ती अंदर आए ने वेख्या बंदा रूड़ी ते पिया होया है मर गया हरो कबज हो गई दुनिया तू चला गया। जनाबे मूसा ने बंदियां नू बुलाया है फरमाया इनू चुको इनू कफन भी देना है इनू गुसल भी देना है एदा जनाजा भी पढ़ना है। बंदिया ने आखिया मूसा असा इस बंदे दे नेड़े नहीं लगना हे बड़ा गुनाहगार है बड़ा सियाकार है बड़ा खताकार है। मूसा अली सलाम ने अर्ज की थी मौला कोई बंदा एदे नेड़े नहीं आउंदा कोई इनू चुकन नू तैयार नहीं कोई गुसल देन नू नाल नहीं कोई कफन देन वास्ते तैयार नहीं या अल्लाह मैं कल्ला की करां। हाथ फेगा पीछू आवाज आई मूसा इन्हां लोकां नू कह दियो जिन्हें जन्नत लैनी है इस बंदे दे जनाजे विच आ जाए जिहड़ा जनाजा पड़ेगा असी सारियां नू बख्श दियां। जिंदा जेड़ा इस बंदे दे जनाजे दे वे शरीक होवेगा
असी उहदी भी बख्शिश कर सकांगे। ए बनी इसराइल दे दौर दी गल हो रही, हज़रत मूसा अलैहि सलाम दा उम्मती सी ते गुनाहगार सी, लोगों ने रूढ़ी तो सुट छड़िया भैड़ा समझ के, वह बचियो इधर हो सीधे हो गए दो पुत्र इधर हो सीधा इधर, तवज्जो फरमाया गल समझ, जो भैड़ा समझ के रूढ़ी तो सुटिया, अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम नूं फरमाया उन्हें चौके नूं गुसल दे, कफन दे, जनाजा पढ़ा, हूँ वह बंद आखन भी मेरे नाल लगो, बंदे आखन जी असी तो नेड़े नहीं लगना, वजह की है? उन्हें कहा जी बंदा ही बड़ा गुनाहगार है, बंदा ही बड़ा सियाकार है, असी तो इन्हें नेड़े नहीं लगना, ये काम साढ़े सामने ने। अल्लाह ने फरमाया इंजे इन्हें नेड़े नहीं लगना, इन्हों कह भी जिन्हें जन्नत लैनी है तो जनाजे में आ जाए। बंदे परेशान हो गए, उन्हें कहे यार गुनाहगार है, मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं जिन्हें जन्नत लैनी है वह ये जनाजे में आ जाए। तवज्जो फरमाया जाए, बंदे हज़रत मूसा अलैहि सलाम दे नाल लगे, उन्होंने गुसल दिता, गुसल दे के कफन पवाया, कफन पवा के जो जनाजा होया ना, इधर मेरे वाल वेखियो, हुण हज़रत मूसा भी सोचते पे ने भी ये की मामला है, अल्लाह कह रहा मेरा है, बंदे कह रहे ने भैड़ा है, इस गल की है? आ समझो गल, मेरे मैं महबूब की शान पे बयान करना, अपने नबी का कमाल मरतबा। जल्दी जल्दी जनाजा पढ़िया, बड़ी दुनिया पिंडा दे पिंड कट्ठे हो गए, बी जन्न मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया जिन्हें जन्नत लैनी है तो जनाजे च आ जाए, ये कितने आ जाए? जनाजे च। पहला गुनाहगार समझ के सुटिया सन, फिर सारी दुनिया आ गई, बड़े प्रोटोकॉल ने उन्होंने दफन किया, दफन करके हुण मूसा अलैहि सलाम को सबर नहीं हो रहा, भी मैं अल्लाह पूछा विचली गल केड़ी है, होया की है? हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर ते टुर गए, अल्लाह ताला दे सामने हाजिर होवे, अल्लाह दे ओ कोहे तूर मकाम अज भी पहाड़ मौजूद है जिथे अल्लाह की तजली पई सी, ते अल्लाह ताला पहली बारी जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने गल की ना उस दरखत विचों अल्लाह बोलिया, दरखत अजे भी मौजूद उत्थे, ठीक है, वह दरखत अजे भी मौजूद उत्थे, जिस दरखत विचों पहली बारी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने डायरैक्ट गल की सी, दरखत विचों आवाज़ आई सी कि मूसा मैं तेरा रब हाँ, उस दरखत भी क्या शान है, हाय हाय हाय, वह दरखत भी किड्डी बरकत वाला है कि जिदे विचों अल्लाह बोलिया जी। आ वेखियो गल बड़ी वड्डी जी, हज़रत मूसा अलैहि सलाम दौड़ के कोहे तूर ते गए, मौला मैनू गल समझ में नहीं आई, परेशान, अल्लाह ने फरमाया मूसा कदी परेशानी, या अल्लाह तू आना ने के मेरा वे वली है, बंदे तेरे आंदे ने गुनाहगार है, असी नेड़े नहीं लगना। इत्थे जुमले सुनी, अल्लाह ने फरमाया मूसा है वाकई गुनाहगार सी, है वाकई गुनाहगार सी, है वाकई सियाकार सी, है वाकई खताकार सी, है वाकई बदअमाल सी, या अल्लाह फिर वजह की बनी है? इत्थे जुमले सुनिया जे, अल्लाह ने फरमाया मूसा जेड़ी मैं किताब तुरा तेरे ते नाज़िल कीती है, जदों ये किताब खोलदा रहा है, ये किताब पढ़दा सी, जिथे मेरे यार मुहम्मद दा नाम आया है, जिथे मेरे यार मुहम्मद दा नाम आया है, जिथे मेरे हबीब दा नाम, जिथे मेरे महबूब दा नाम आया है, हुन चुकदा रिहा है, हुन चमदा रिहा है, हुन सीने लांदा रिहा है, फरमाया मूसा मेरी गैरत नू गवारा नहीं, जिने मेरे यार दा नाम चुमिया है, ओ गुनाहगार भी आवे असी सीने ला लेने, आए हाए ओ गुनाहगार भी आवे, सियाकार भी आवे, खताकार भी आवे, इन्हें मुहम्मद का ना चुमिया है, असा इनू अपना बना लिया है, असी सारे गुना ये माफी कर छे, मैनू ईमानदारी ना दसिया जे, जड़ा सिर्फ नबी का ना चुमे अल्लाह ओनू अपना बना लैंदा है, ते जड़ा यार दा उम्मती होवे, जड़ा मुहम्मद दरोद पढ़दा होवे, फिर मैनू कहना पैना है जिन्हें नबी का ना चुमिया, जिन्हें मुहम्मद का ना चुमिया, जिन्हें सोने का ना चुमिया, फिर सुल्तानी नू कहना पैना है ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये
कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे मोहम्मद। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, अल्लाह ने दूसरी जगह ऐलान फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैनू ईमानदारी ना दस यार, जिस नहा के अंदर इन्नी ताकत हजरत मूसा दा उम्मती योग नबी दा ना चुम जाए, अल्लाह जहन्नम विच सड़न नहीं देंदा, अल्लाह दोजख विच जान नहीं देंदा। जेड़ा नबी दा ना चुमे ओ भी ए शान है कि जेड़ा नबी दे नाल हुजरे विच लेटिया होवे अबू बकर दी की शान होवे। जे नबी पाक दे ना दी बरकत है, वह की करता सी? तो रात पढ़ता सी ना जी, जिथे जिथे नबी पाक दा ना होंदा सी उन्हें चुमदा सी। तुहानू आंदे ना अंगूठे क्यों चुमदे हो, शिरक है। मैं क्या क्यों वेखो, तुसी पूरी दुनिया के उत्ते तुसी सारे समझदार बंदे बैठे हो, मेरे नबी दे नाम तो कुत्ते नाम है वे? दसो मुहम्मद सल्लल्लाहो, एक बारी दरूद पढ़ो सल्लल्लाहो, हजूर तो उत्ते किसे दा नाम है वे? कोई नहीं। नबी पाक तो उत्ते किसे दी शान है वे? कोई नहीं। यार असी अपने प्यो दादे का ना तो नहीं चुमते, कभी दाता साहब का ना आया हो अंगूठे चुमे हुए, कभी बाबा फरीद का ना, असी वलिया के ना गौस पाक का ना तो नहीं चुमते। वो यार असी उदा ना पे चुमने जिदा ना अज भी जन्नत दे पत्तियां ते लिखिया होया है। हाय हाय हाय, नामे मुहम्मद असी हजूर का ना इस वास्ते चुमने, सानू ठंड पैंदी है। और देवबंदियां दा बहुत वड्डा आलमे दीन मौलवी अशरफ अली थानवी, ना तुसां सुनिया होना, उन्हें किताब लिखी एक, किसी ने उन्होंने सवाल किया कि मौलवी साहब चोटी दा आलम है देवबंदी मसलक दा अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने किसी पूछया भी है जिहड़े अंगूठे चुमदे ने ये सही करदे ने? उन्हें कहा मैनू ये तो नहीं पता वे सही करदे ने कि नहीं करदे, पर एक गल दा मैनू पता है। अज़रा जाके बे उज़रा जेन हाजर रखे, मैं नामे मुहम्मद गल पे करना हजूर दे नाम थे। उन्हें कहा भी मैनू ये नहीं पता भी ये सही करते हैं या गलत करते हैं, पर एक गल का मैनू पता है, अशरफ अली थानवी देवबंदियां दे वीडियो बन रही पूरी दुनिया तक जा रही, मैं गल डंके दी जोड़ दे कर रहा। किताब लिखी उहदे विच उन्हें लिखिया भाई मैं यह चीज़ जानना वा कि जेड़ा बंदा लफ्ज़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का नामे नामी आवे, अंगूठे जुम्मे, अखा ना लावे, देवबंदियां दा मौलवी कह रहा है अपनी किताब के अंदर कि जेड़ा नबी पाक का नाम आवे वह होंठा नूं अंगूठे ला के अखा ते लावे, कहिंदा मैनू रब्बे काबा की इज्जत की कसम है इस गल का मैनू पता है कि उस बंदे दियां सारी जिंदगी अखा खराब नहीं होणगियां। एक बारी गज के बोल सुभान अल्लाह। ये तो गैर भी मन गए ने ना, जेड़ा बंदा नहीं चुमता ना चुमे ओदी मर्जी, असी केड़ा गलत पे करने, वेखो हजूर दा ना ही चुमे ना जी, ना चुमा पे साई तेन पुछ लगे क्यामत वाले दिन भाई तू चुमन आलिया विचू सा के मुनकर सा, इनकार करना ए नहीं जी साहबा ने नहीं चुमे जी फलाने ने नहीं चुमे। अगले दिन वीडियो चढ़ी सी सऊदीया दी मस्जिद नबवी शरीफ की, अज भी यूट्यूब ते मौजूद है, कई बंद वेखी होनी है। वह मुअज्जन अजान पर पढ़ता है, तो जो मुअज्जन अजान देता तो पिछे एक बंदा बैठा होंगे अजान पढ़ने वाले, चबूतरे से अजान दी जाती मस्जिद नबवी, वह पिछे जो अरबी बैठा है ना वह पंजाबी नहीं सी, सियालकोटी नहीं सी, वह पाकिस्तानी नहीं सी, वह अरबी सी, मदीना शरीफ का रहने वाला।
और जो उन्हें कहा ना अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिहड़ा पिछे अरबी बैठा सी ना उन्हें अंगूठे चुम के अखां ते लाए। एडी कादी सख्ती है वे दीन दे अंदर, तुसी नबी पाक दा नाम ही नहीं चुमन देंदे यार, हैं अजी दे सदके पे खाने आ, उन्हां दा नाम ही नहीं चुमन देंदे। जिहड़ा नहीं चुमदा वह ठीक है, ना चुमे दूसरिआं नूं ते ना ना मना करे जी, चुमने नहीं चाहिए, अंगूठे चुमने चाहिए ने। यह मैं दियोबंदियों की मौलवी की गल की ना, मौलवी अशरफ अली थानवी की, तो साढ़े तो कहते हैं कि जिन्हें नबी पाक का नाँ चुम लिया ना, वो मैशर वाले दिन पता लगेगा भी केड़ा बंदा जिन्हें हजूर का नाँ चुमिया है, जिन्हें हजूर का इसमे ग्रामी लफ्ज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखो अजान में भी नाल है, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह दो बारी, फिर अशहद अन्ना मुहम्मद आ गया कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह अगे की है मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान विच नमाज विच हर जगह ते। मैनू कह लगा कहिंदा जी जो तुसी अंगूठे चुमदे कोई रवायत है वे, मैं क्या जी है वे अलामा इसमे लकी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर मेरे को तफसीर मौजूद है, उहदे अंदर आपने लिखिया कि जदों हज़रत आदम अलैह सलाम ने फरिश्तिया ने किया ना सजदा, की किया बोलियो की किया, यह गल बड़ी सुनने वाली जो फायदा होगा इलम का अकीदे का, कुछ लैके जाओगे खाली नहीं जाओगे, कोई गल मेरे भी थोड़े पल्ले पवेगी। जदों हज़रत आदम अलैह सलाम ने फरिश्तिया ने बाबा जी किया ना सजदा, आदम अलैह सलाम ने अर्ज की मौला ये मेरी तजीम क्यों भी करते हैं, अल्लाह ने फरमाया तेनू नहीं पता तेरी पेशानी विच मेरे महबूब का नूर है, तेरी पेशानी दे अंदर मेरे मुस्तफा दा की है, मेरे मुस्तफा दा नूर। हजरत आदम अलैहि सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैं भी वह नूर वेखना चाहना है, मैं भी उस नूर की जियारत करना चाहना। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम के अंगूठिया के ना नबी पाक के नूर की जियारत करवाई। इधर वेखो थले कोई पाक वर्का डिगा हो कुराने पाक का या किसी भी चीज़ का, अल्लाह तला का नाँ लिखा होबी पाक का, बंदा उन्हें चुक के की करता बोलो, उन्होंने किसी ने कहा चुम, कभी किसी ने कहा भी वे इन चुक के चुम, वो दिलों आवाज आती वे इन चुम, क्यों ये चुमन दे लैक है, तुम समझे नहीं, मैं तो वंड कर छी है होर खोलना मसलन जुमन, उस वर्के बंदा चुमद ऐत नहीं पुछता मौलवी साहब मस्जिद जाके कारी साहब मैंने वर्का थल्यू लब्भा जाने चुमा कि ना चुमा, अगर ना भी चुमे हो तो उत्थे रख दे तो कोई गुनाह नहीं, चुमदा क्यों है उन्होंने पता होंगे, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जुमले सुने जे उन्होंने पता होंगे कि ये ना जड़ा ना ये चुमन दे चुमन दे। असी कुराने पाक में जो फड़ने इंज ही खोल दे को चुम के चुम के, कभी किसी ने पूछा जब चुमीए कि ना चुमीए, सिर्फ नबी पाक का नाम लैन लगे फतवा लेंदे चुमीए कि ना चुमीए, मौलवी जी मौलवी कौन होंगे, मौलवी की तो हसीयत ही कोई नहीं, मेरे वर्गे भैड़े बंदे की हसीयत, जेड़ा आखे जी चुमना चाहिए या नहीं चुमना चाहिए, वो एक वर्का थलू चुके तो तू किसी को फतवा नहीं लैंदा, तेरा जमीर कहंदा इन्हें चुम, तो जो सोने का ना आवे तो फिर भी बगैर पूछण दी चुम लिया करो। आज वंड करनी है, वीडियो बन रही, दो कैमरे लगे ने, पूरी दुनिया तक जा रही है, जुमले समात फरमाए, मैनू आखन लगा अज जो तुम अंगूठे चुमदे हो क्यों चुमदे, मैं क्या हजरत आदम अलैहि सलाम ने चुमे सन, कहिंदा चलो ठीक है तुहाड़ी गल मान लैने आ, हजरत आदम ने चुमे सन क्यों चुमे सन, मैं क्या उन्होंने अंगूठिया विच नबी पाक का नूर सी, कहिंदा हजरत आदम ते नूर वेख्या तो उन्हें चुम लिया, तुहानू नजरी आया, सवाल वेख्यो बड़े बड़े भैड़े सवाल करते जे, आंदा है जो तुसी अंगूठे चुमदे हो तो अपने अंगूठिया विच नबी पाक दा नूर नजर आंदा, मैं क्या यार नजर तो नहीं आंदा, कहिंदा फिर एवें लगे हो पागल बने हो मजनून बने हो, मैं क्या मौलवी जी एक मेरी भी गल दा सवाल दा जवाब दिओ, यह तो तुहाडा ना साडा भी, कहिंदा की, मैं क्या उमरा हज कीता, कहिंदा इंशाला पंज हज कीते ने, किन्ने पंज हज कीते ने, मैं क्या ठीक है, मैं क्या वो हज दे अंदर एक रुकन है कि हाजी मैदान अरफात तो अगे थोड़ी जी जाके ना तो कैंकरियां चुकदा चुकदा कि नहीं चुकदा, तो शैतान नू मारदा, वट्टे शैतान नू वजदे ने कि नहीं वजदे, हज तो वजदे ने,
मैं मौलवी साहब नूं आख्या, मैं क्या मौलवी जी तुसां वी मारियां ने कि वापस ही आ गए हो तू? कहिंदा नहीं जी मारियां ने। मैं क्या अच्छा, मैं क्या किन्नू मारियां जे? कहिंदा मारनियां किन्नू सन, तीन पिलर बने सन उत्थे। ते मैं क्या क्यों मारियां जे? कहिंदा हज़रत इब्राहिम ने मारियां सन। इधर तवज्जो करियो, मसला बड़ा वड्डा, जकीदा जहर होएगा, सारी जिंदगी फायदा देगी गल। मैं क्या हजरत इब्राहिम ने मारियां? आंदा मारियां। हजरत इस्माइल ने मारियां? आंदा मारियां। मैं क्या जनाबे हाजरा ने? आंदा मारियां। मैं क्या इब्राहिम अलैहि सलाम ते शैतान आया नजरी सामने आ गया ना इंसानी शक्ल च, ते आपने तो उन्होंने मारे वट्ठे। ओ इब्राहिम अलैहि सलाम ने शैतान नजर आया ते उन्होंने शैतान नु वेख के मारिया। यह जेडे 1400 साल तो कई सौ साल तो लोग पे पत्थर मारते ने, कभी किसी शैतान वेख्या उत्थे? जेड़े गए हो उमरा करके, वह पिलर बने ने बाबा जी, थम बने ने, उन्होंने उप पत्थर वजते ने, कभी किसी शैतान नु पत्थर मारिया? कहिंदा नहीं। मैं क्या फिर एक गल मननी पैनी, मैनू आखन लगा सुल्तानी ओ केड़ी? मैं क्या जे तू इब्राहिम दी सुन्नत समझ गए, पिलरां नू पत्थर मारे ते पत्थर शैतान नू वजदे ने, ते असी आदम अली सलाम दी सुन्नत समझ गए, नूर नजरी ना भी आवे असी चुम के अखां नू ला लईए सकून लभ जांदा। आए हाय हाय, सकून लभदा कि नहीं लभदा? इधर वेखो हुण, ये मिठे पानी का इत्थे गिलास पिया होवे, ते तुसी मैनू पुछो कि कारी साहब ये पानी मिठा कि खट्टा कि कड़वा है? ते मैं आखां मैं तो पीता ही नहीं, बगैर पीन तो पता लगदा? मैं उस गिलास नू चुकांगा, उन्हूं पीआंगा, ते मैनू पता लगेगा भी मिठा है कड़वा है, किहड़ा जायका है? मैं क्या तैनू जायके का पता उदों लगना जो तू सोने का ना चुमना, तेरिया अखा का नूर आ जाए, तेरिया अखा का सरूर आ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ए जुमले समाज फरमाया जी, गल बड़ी वड्डी है। हजूर दी शान, हजूर दा मकाम, हजूर दा मरतबा, उन्हें लफ्जे मुहम्मद नु चुमिया ते अल्लाह जहन्नम तो आजादी दे छड़ी। असी हजूर दा ना चुम के अखा नु लाने आ, कोई नगर नूर नहीं आ रहा नजर, किसी की अदा तो पूरी हो रही है ना। अच्छा मैं क्या दूसरी गल मैनू दस, ए जेडे सफा मरवा ते दौड़ा लांदे हो, ये क्यों लांदे हो? आख लगा जी उत्थे कई हजार साल पहला एक माई दौड़ी सी। मैं क्या माई का की ना है? कहिंदा हजरत हाजरा। मैं क्या क्यों दौड़ी सी? कहिंदा पुत्र नू प्यास लगी सी। ते मैं क्या तेरे पुत्र नू ते नहीं प्यास लगी? तुसीं हुण नुक्ता समझो ते गल मैं फिर करा ना, जेडे बंदे एन जी बैठे ना उन्होंने गल की होनी, जेडे कोई समझण आया कोई लैण आया। मैं क्या उत्थे माई हाजरा दौड़ी कि इस्माइल नू भुख लगी सी, प्यास लगी, ते उह ते पानी वास्ते दौड़ रही सी। तुसीं आखो याला सी क्यों दौड़ी है? उत्थे ते आबे जमजम दे कूलर पे ने चप्पे चप्पे दे। मैं क्या तेनू प्यास भी कोई नहीं, तेरा पुत्र तरिया भी कोई नहीं, ते तू फिर भी उत्थे दौड़ना पिया, की वजह? कहिंदा मौलवी जी किसी की अदा नू पूरा पे करने आ। सानू दाल आया सादियां, साडे सुनियां सादियां बंदियां नू, कोई मौलवी लिया ना उन्होंने, मैं पूछा वे क्यों पे दौड़ना इतने? आंदा जी माई हाजरा दौड़ी सी। मैं क्या वो माई हाजरा तो कई हजार साल पहला दौड़ी सी, वो सबब भी कोई नहीं, वो काम भी कोई नहीं। तो अल्लाह फरमांदा जे तू इतने चक्कर ना ना लाए, मैं तेरा उमरा तो हज कबूल ही नहीं करना। या अल्लाह वजह की? अल्लाह फरमांदा मेरी भी मन तो जिदी मैं आखा ओदी भी मन। हाय 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 हाय, ऐ नहीं भी सिर्फ अल्लाह से होता है। मैं क्या अल्लाह से होता है, जेडे अल्लाह वाले ने वो भी बड़ा कुछ कर जाते हैं। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर दी शान, हजूर दा मकाम, हजूर दा मर्तबा, ए मर्तबा बुलंद हजूर दा आज भी है कल भी है। इसे वास्ते हजरत सखी सुल्ताने बाहू रहमतुल्ला अलैह ने कलम उठाइए, हजरत पीरे बाहू फरमाने नी बे बिस्मिल्ला इस में अल्लाह दा ए भी खैड़ा हे महारा है नाल
शफात सुनियो सुनियो है नाल शफात ओए सर वरे आलम ते छुट सी आलम सारा हो ओए हदों बे हद दरा बीते थे जिसदा ए दे पसारा हो हदों बेहद दरूद नबी ते जिसदा एड पसारा ये नबी पाक की शान है। क्यामत वाले दिन जे साढ़े वर्गे अपनी मैं गल करना तुसी तो मेरे तो नेक हो सारे मेरे वर्गे क्यामत वाले दिन जे किसे पार लगने ने तो सोने तो सदका लगने ने हजूर का सदका महबूब का सदका लगने ने। इधर जुमले समाद फरमायो हजरत खुबैब नबी पाक दे साहबी ने ते बड़े आशके रसूल सूली ते चढ़न लगे ना काफर मक्के दे ते कहन लगे खुबैब तेरे कोल दो मिनट टाइम है या मुस्तफा दा कलमा छड़ दे ते या जान देन वास्ते तैयार हो जा। हजरत खुबैब ने अर्ज की ओ दुनिया दे कुतियो तुसी मैनू ओ दामन पे छुड़ांदे हो जिस दामन नू फड़न वास्ते अल्लाह ने हुक्म फरमाया होया है। हाय 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 मैं युति रसूल फकत अताल फरमाया जिन्हें रसूल की अतात की थी उन्हें फकत अल्लाह की अतात की थी। साढ़े सामने नबी पाक की जिंदगी है हजूर की सीरत है जिन्हों नबी पाक का ना सुन के ठंड पै जाने जिस भी महफल च हो जुम्मे च हो समझे उसकी हाजरी कबूल हो गई तो जिदा दिल ना ना लगता होवे जुम्मे तो बैठा होवे भावें महफल च वह समझे भी मेरे अंदर कुछ नहीं अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही। बंदा ठंडा पानी पीवे तो अंदर पता लगता कि कोई नहीं लगता लगता बंदा गर्म पानी पीवे तो पता लगता यार गर्म भी पीवे तो तेन पता लगता ठंडा भी पीवे तो पता लगता तो जो इश्के मुस्तफा की चाशनी अंदर जाए फिर नहीं पता लगता फिर भी पता लगता है। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम जुमले सुनो हजरत खुबैब नू कहन लगे कलमा छड़ दे अपने फिर मैं कलमा नहीं छड़ांगा उन्हें कहा सूली चाड़ देंगे फिर मैं चाड़ दियो सूली चाड़ देंगा चाड़ दियो उन्हें कहा जान दे छेगा मुक जावेगा जान हर बंद प्यारी होंगी आँदी कि नहीं आँदी बंदा नमाज पढ़ता हो ना नमाज जमात के नाल बंदा नमाज पढ़ता हो आज जलजला बड़े बड़े पक्के नमाज भी नस जाते हैं बाहर नहीं तुम वेख्या बंदा अगे खलोता है ना इमाम वो पिछे नमाज हो रही है जमात है फर्ज है वह अल्लाह तला के सामने खलोता है एक झटका लाया अल्लाह ने ओ गए जे नमाजी नमाज भी टुट गई नमाज का ख्याल भी नहीं रहा यह भी नहीं वेख्या भी मैं कि दरबार च खड़ा वा जान बड़ी प्यारी होंगी मैनू भी बड़ी प्यारी है तुहानू भी बड़ी प्यारी जान अजीज होंगी है तो जिन्हें जान की भी परवाह नहीं की जिन्हें जान भी हजूर तू वार छी हजरत खुबैब नू कहन लगे चल फिर इंज कर कोई तेरी आखिरी तमन्ना आखिरी खाश सुनियो आशक हजरत खुबैब दी अखां विच अथरू आ गए एक काफर बोलिया कहिंदा डर गया ही रो गया ही उन्हें कहा रोया नहीं डरिया नहीं उन्हें कहा फिर क्यों तड़फे हैं अखां विच अथरू क्यों आए नहीं जनाबे खुबैब रो के कह लगे जेकर यार देना दा मिले ताना जे कर यार देना दा सुनियो सुनियो जे कर यार देना दा मिले ताना
चोली पा ली थले सुटिए ना जे करियार देना दे मिले सोनी जे करियार देना दे मिले सोनी जेकर यार देना इधर देखियो जेकर यार देना दे मिले सोनी चूटा ले लिए पीछा हटिए ना हजरत फरमाया मैनु जान दा खतरा कोई नहीं मैनु अपनी रूह दा खतरा कोई नहीं हे जान भी याद दी हे जिस्म भी यार दा असी सायो तू लैने जो यार नजरी आता साड़िया सावां विच नबी वसदा है साड़ी रूह विच नबी वसदा है साढ़े अंदर नबी की आस वसदी है ते हजरत खुबैब भी आंदे होने जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा नहीं जो नहीं एक बारी हथ बुलंद करके सारा मजमा जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो आए हाय जदों पड़ा दरोद मैं सा बोलो बोलो एक बारी बार वाले भी जड़ा नबी ते दरूद पढ़ता एक बारी आखेगा जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो सरकार दी खुशबू आउंदी है जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो 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 सरकार दी खुशबू आउंदी है जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो नहीं जरा जोक लेने जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद जड़ा दरूद पढ़ता सिर्फ वो हाथ बुलंद करके जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जी जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो सरकार दी खुशबू आंदी है जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो जदों पड़ा दरोद मैं सावां चो नबी नबी बोल नबी नबी बोल नबी नबी बोल नबी नबी बोल जदों पड़ा दरोद मैं सावां या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह फाक्तुलो फाक्तु तवज्जो फरमाया जी जदों पढ़ा दरूद नसावां च सरकार दी खुशबू आउंदी है कि नहीं आउंदी बोलो आउंदी है कि नहीं आउंदी आउंदी है अंदरों बंदा पढ़े तो सही फिर दरूद ऐसी इबादत है उलमा फरमांदे ने ये दिखावे वास्ते भी पढ़ी जाए तो फिर भी कबूल हो जाती है ऐसी इबादत नमाज में दिखावा आ जाए अल्लाह फरमांदा मैं नहीं कबूल करता रोजे में दिखावा आवे अल्लाह फरमांदा मैनू नहीं चाहिए जकात में हज में दिखावा आवे अल्लाह फरमांदा मैनू नहीं चाहिए जदों महबूब ते दरूद दी वारी आई अल्लाह फरमांदा भावें किसी नूं विखाण वास्ते पढ़ ते भावें ना पढ़ अपने वास्ते पढ़ असां कबूल कर लिया है आए हाय हाय कैसा मंजर है हजरत खुबैब ने कहा मैनू की सूली देना जे उन्हें कहा जी सूली चाढ़ांगे उन्हें कहा मैनू नहीं पता कि तुसी मेरे जिसम ना की हालत करोगे कोई आखिरी तमन्ना हजरत खुबैब ने फरमाया हाँ मैं दो नफल पढ़ना चाहना की करना चाहना इधर वेखियो मेरे वाल मैं दो नफल अदा करना चाहना अपने पाक रब की पाक बारगाह के अंदर
उन्हें क्या ठीक है पढ़ लै। हजरत खुबैब ने ना जल्दी जल्दी दो नफल पढ़े तो उठ के खलो गए। उन्हें आख्या पढ़ भी लेनी एडी जल्दी। आपने फरमाया पता क्यों जल्दी पढ़े ने, जे मेरा दिल है सी कि मैं जरा लंबे करा, अल्लाह की अदालत में खलोता सा कोई कुरान पढ़ा कोई अल्लाह ना गल करा, तो फिर ख्याल आया जे कि नमाज लंबी हो गई इन्हों के जेहन में ख्याल ना आवे कि मुहम्मद का गुलाम डर के नमाज लंबी कर गया। आए हाय हाय फरमाया ता छोटी की थी है कि तुसी अपना काम करो। उन्हें बाबा जी जो सूली चाड़िया ना तो मेरा तो ईमान है कि हजरत खुबैब दे लूं लूं विचों आवाज आती होगी, लूं लूं विचों ये आवाज आती होगी कि कमली वाले आ मैं अज भी तेरा वा तो मैं कल भी तेरा वा। ते नाले कमरी वाले दी मुहब्बत दे अंदर सूली चढ़े होने ने ते लूं लूं विचों आवाज आती होनी है क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है। एक बारी मोहब्बत ना पढ़ो जोक बने क्या पेश करूं तुझको, इंज नहीं यार इश्क नाल एक बारी क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है। आए हाय ये दिल भी तुम्हारा है ये जा भी तुम्हारा मिलके जरा ये दिल भी तुम्हारा है आशक सूली चढ़िया जान निकल गई है लू लू बिचू आवाज आ रही है सोना माही असी अज भी तेरे हो असी कल भी तेरे हो कमली वाले आ मेरी जान भी तेरी है मेरी औलाद भी तेरी है हर चीज नबी वास्ते साड़ी जुबान नबी वास्ते साड़िया अखा नबी वास्ते। पीर मेहरे अली नू किसे पुछिया बाबा तेरी दिली तमन्ना की है, फरमाया इको ही तमन्ना वे अख मेरी होवे जलवा यार दा होवे, अख मेरी होवे जलवा यार दा होवे ते सोने नू वेखी जावा सोने नू तकी जावा ते आखी जावा ओ अखियां केड़ियां। इश्कना भाई इश्कला बस आखरी गाली ओ अखियां केड़ियां अखियां ने जड़ियां नाल हजूर ते जुड़ी दिया नहीं जुड़ जान ते जेड़िया होए इक बारी लख माड़ो फेरे मुड़ दिया ए हजूर दी शान ए हजूर दा मकाम जान दे छड़ी कलमा नहीं छड़िया। बिलाल नू किन्नियां मारां पईयां सन कलमा छड़िया से नहीं सी छड़िया। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जी तू बंदा दरूद पढ़दा है ना वह तसव्वुर करे कि नबी पाक मेरा दरूद सुन रहे ने हजूर मेरा दरूद सुन रहे ने, एवी नहीं सिर्फ शेर सुनने की हद तक ना रखिया करो इन्हां नू अंदर समा लिया करो।
ये इश्के मुस्तफा दे फुल होंदे ने, ये महक देंदे ने। क्यों? मेरे पीरे बाऊ फरमाया सी अली फल्ला चंबे दी बूटी, ते मन विच लाई हो यह जिहड़ी बूटी है की है, ये कोई पौधा तो नहीं, कोई दरखत नहीं जिन्हों पुट के अंदर ला छड़ना, यह ही खुशबू है। जिदे अंदरों खुशबू आवे हजूर दी, जिदे अंदरों जिक्र होवे मुस्तफा दा, अल्लाह की इज्जत की कसम उहदी कबर भी महक जाती है। मैं अगले दिन पढ़न दिया सा कि यह चीचा वतनी तो अगे एक इलाका है कि उत्थे काश के रसूल फौत होया जिहड़ा रोजाना कई हजार दफा नबी पाक दे दरूद पढ़ता सी। सुनिया हजूर दे नाम की बरकत कई हजार दफा नबी पाक दे ने दरूद पढ़ना, सुबह शाम जदों तस्बीह लैनी नबी, जदों वेले आना दरूद पढ़ना। और तुहानू भी कहना, बंदा काम तो भी होवे, गड्डी भी चलांदा होवे, जिथे भी दरूद जुबान तो पढ़ते रहा कर, कोई ना कोई लफज अदा करते रहेगा। दरूद पाक बड़ा वड्डा वजीफा जे, सारे वजीफिया तो वड्डा दरूद पाक वजीफा जे, सब वजीफिया तो वड्डा। इधर तवज्जो फरमाए, उन्हें दरूद पढ़ना करना, नमाज पढ़नी, अल्लाह ने अंदर इश्के मुस्तफा की बूटी ला छड़ी। केड़ी बूटी? जिदे बारे मेरा पीर आंदा अलीफ अल्लाह, चंबे दी बूटी। इश्क ना इश्क दे वेड़े बैग सुन, अलीफ अल्लाह चंबे दी बूटी, ते मन विच मुर्शिद लाई हो। ते बूटी अंदर मुशक मजाया, इतों सुनी, बूटी अंदर हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो बूटी अंदर मुश जाया, जान भुलन ते आई हो। मैं कुर्बान होना थी बाहो, थे जिस ये बूटी लाए हो। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो ईमानदारी ना दस। अल्लाह हो ऐ बूटी, जे कोई बाहर वाली बूटी नहीं, अल्लाह हो ऐ बूटी लवाओ तो फिर पता लगे, ये लगती है मदीने वाले की नजर करम। जाना दे छड़िया बाबा, माल दे छड़े, औलाद कुर्बान कर छड़ी। वो जो फौत होया ना, मैं गल मुकावा, तो जनाजा जो होया ना बाबा जी, तो मंजी तो उन्हें पता है मस्जिद पई होंदी है, वह मंजी ते जो उन्हें कफन दिता तो वह इत्र लांदे ने ना कफन में, अरके गुलाब लांदे ने ना कफन में कि खुशबू आवे विच,
तो जो अड़के गुलाब लाने लगे तो उन्हें वेख्या तो बिचू तो पहले ही खुशबुआ भी आदि विचू खुशबुआ पहले ही आ रही ने। दरूद ने अंदर बूटी जड़ी लगी सी ना हूँ उन्हें मुश्क मचाया हूँ वह दसन लगी है भी बंदा दुनिया तो जा रहा ऐसे भी बंदे तुम वेखे होने बंद ने यार रात नहीं रखना क्यों बो आनी शुरू हो जाती जिसम फट जाता दुआ कर मेरे तो तेरे जिसम च बदबू ना आवे इश्के मुस्तफा की खुशबू आवे फिर मुल पैना ही तेरे आने का दुनिया नहीं तो कोई मुल नहीं हो जाद्या खुशबू दसे भी आ पे जाता जब मरदे कलंधर ऐ जे अल्लाह वाला जाता पाया इधर वेखो वो कफन विचू खुशबू वो जिस मंजी तो रखे वो खुशबू बंद खुशबू आवे तो पता तो लगता बंद आखिर लगता इन्हें कोई बहरों अत्र लिया जरा इन लाया खुशबू आन डी उतो आवाज आई चलो ये दुनिया का अत्र नहीं जन्नत का अत्र लगा हुआ है क्या बात है ये जन्नत की खुशबू लगी है नहीं जानी उन्हें जनाजा पढ़िया उत्थे भी खुशबू कबर में रखे उत्थे भी खुशबू मैनू ईमानदारी ना दसी जिस कब्रस्तान दफन होया होना कब्रस्तान वाले खुश नहीं हो उन्हें कि या अल्लाह तेरा नेक आया तेरा पाक आया ए जो बारिश पैंदी है ना बाबा जी बारिश तो जिहड़ा बेनमाजी होवे उहदी पैली च नहीं पैंदी बोलो जिहड़ा जकात ना दवे उशर ना कढ़े उहदी मूंजी नूं नहीं पानी पैंदा पैंदा ना ए फकीर लोग फरमांदे ने जदों अल्लाह दी रहमत दी बारिश होवे ना उह वंड नहीं करदी हुण समझो ना समझो तुहाडी मर्जी नुकता करोड़ां दा दिना जदों रहमत दी बारिश होवे ना उह वंड नहीं करदी उह भैड़े ते भी फसल च पैंदी है ते चंगे दी फसल च भी पैंदी है ना ते जदों रहमत दी नज़र दिल ते पवे किसे एक दे ते साडे वर्गे किसे निकम्मे ते भी पै जाएगी जदों करम होवे फिर सारे नाल हुंदे ने ना जी उह आंदे ना भैड़िआं नाल भैड़े रगड़े जांदे ने ते चंगे भी रगड़े जांदे ने ते जे चंगिआं नाल होण ते भैड़े भी नाल वर्तार करदे जी हाँ कोई चंगा होवे ते रब्बे काबा दी कसम मियां साहब फरमांदे सन चंगिआं दी सोबत यारो ते जिवें दुकान तारा सौदा भावें मुल ना लईए हुल्ले आउण उहदी कब्र विच खुशबू लोकां ने उहदी कब्र दी मिट्टी चुमणी शुरू कर छड़ी कैसी बात है अल्लाह ने चुमाई कि ना चुमाई की करदा सी दरूद पढ़दा सी जदों वेला लगना ज्यादा तो ज्यादा नबी पाक दी ज़ात दरूद पढ़ो कोई भी काम है कितले जुबान दे नाल ते नहीं बंदा काम करदा काम ते हाथ नाल ही करने ना जी पैर नाल हाथ नाल जुबान ते तुहाडी फ्री है 24 घंटे फ्री है ते जे गल्लां करन नाल लाणा जे फिर भी तुहाडी मर्जी ते जे दरूद पढ़न ते ला छड़ो ते इस तों वड्डी इबादत किहड़ी है इस वास्ते टाइम मुकम्मल हो गया अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोवां।